हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है 4 जून के करंट अफेयर, 4 जून 2018। इससे पहले हमने 1 जून, 2 जून और 3 जून के करंट अफेयर कर लिए हैं और उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का भी पीडीएफ आपको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। वीडियो के नीचे एक बॉक्स बना हुआ रहता है जिसके अंदर लिंक दिया हुआ रहता है, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 जून, 2 जून, 3 जून, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल कर रखिए और स्टेपल करिए और एक बुक बनाइए 1, 2, 3, 4 30 जून तक कंटिन्यू, ताकि आपका जो भी आने वाला एग्जाम है उसके अंदर में जो भी करंट अफेयर आए तो आपका 80% कवर हो जाए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई एक बात, कि अगर अभी तक आप लोगों ने जो हमारा चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे ऐसा लाल कलर का बटन है, इसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को वीडियो लगातार मिलता रहे। और यहाँ पर एक बेल का आइकन भी आएगा, उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा, पीडीएफ डाउनलोड जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न है कि स्पेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना ही करना है। ठीक है, कि स्पेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये शपथ ली है प्रेडो सांचेज। ठीक है, सांजेज, ठीक, प्रेडो सांजेज। स्पेन की सोशलिस्ट पार्टी के प्रेडो सांजेज ने शनिवार को नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। एक दिन पहले मारियानो राजोय ने भ्रष्टाचार के आरोप पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में शिकस्त के बाद इस्तीफा दे दिया। ठीक है, स्पेन की सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी के 46 वर्षीय सांचेज को किंग फिलिप, जो वहां के राजा है किंग फिलिप छठे, ने मैड्रिड के समीप जारजुएला महल में शपथ दिलाई। तो ये आपको याद रखना है कि फिलिप ने इनको क्या दिलाया, शपथ दिलाया। ठीक है, खबर के मुताबिक सांचेज एक नास्तिक है और उन्होंने बिना बाइबल के संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है। स्पेन के आधुनिक इतिहास में यह पहली बार हुआ है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या है, एक नास्तिक है और इन्होंने बिना बाइबल के संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का प्रश्न जरूर बनता है एग्जाम के अंदर में। प्रेडो, आपको नाम याद रखना है, प्रेडो, ठीक है, ब्रेड प्रेडो ऐसा कुछ करके याद कर सकते हैं, इसको ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, प्रेडो प्रेडो 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा कि स्पेन के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रेडो। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोपा बंधु सांसद है ये, ठीक है, सांसद नहीं है, सांसद गोपा बंधु सांसद स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने, किस राज्य की सरकार ने शुरू की है, तो ये शुरू की है उड़ीसा राज्य के, उड़ीसा के जो अभी मुख्यमंत्री वो है नवीन पटनायक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, उसका तीसरा क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब आत्महत्या की कोशिश करना अपराध नहीं है, यह किस एक्ट के अंतर्गत आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन निकल कर आया है। ठीक, तो ये है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, तो ये आपको पॉइंट याद कर लेना है, ये एक्ट याद करना है 2017 मेंटल हेल्थ केयर। ठीक है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अब आत्महत्या करने के प्रयास करना अब अपराध नहीं रहा, मानसिक रूप से बीमार बच्चों को इलाज के लिए अब बिजली के झटके नहीं दिए जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आत्महत्या की कोशिश करने वाले व्यक्ति अपराधी माना जाता था। आपको ये पॉइंट भी याद करना है कि धारा 309 के तहत अपराधी माना जाता था आत्महत्या की कोशिश करने वाला इंसान। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसके लिए तनाव की अधिकतम समेत पर्याप्त कारण बताने होंगे, आपको पर्याप्त कारण बताने होंगे लेकिन। ठीक है, अगर उनसे किसी को फंसाने के लिए आत्महत्या की कोशिश की होगी तो उस पर संशोधित अधिनियम में अलग प्रावधान है। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ठीक है, और धारा 309 के तहत जो क्या होती थी, अपराधी माना जाता था आत्महत्या करने वाले को। ठीक है, तो ये होगा 3 क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किस देश के 5 दिवसीय दौरे पर गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रखना है, किस देश के, दक्षिण अफ्रीका। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, ठीक है, तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 5 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर है, वहां पर वे दक्षिण अफ्रीका के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगी, साथ ही ब्रिक्स, आपको ये ब्रिक्स के बारे में भी जानना है। ठीक है, ब्रिक्स क्या होता है, बी माने होता है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और IBS भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका की बैठकों में हिस्सा लेंगी। ब्रिक्स की विदेश मंत्री स्तर पर बैठक 4 जून को होगी, जबकि 3 देशों के समूह IBS में वैश्विक मुद्दों पर तालमेल को और बढ़ाया जाएगा। तो ये ब्रिक्स के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए ब्रिक्स में कैसा सम्मेलन होता है, पहले होगा ब्राजील में, फिर होगा रूस में, फिर होगा भारत में, फिर होगा चीन में और फिर होगा दक्षिण अफ्रीका में, ये ऐसे चलता है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, ब्रिक्स का जो सम्मेलन है तो आपको ये याद रखना है। और कहां गई है ये, तो दक्षिण अफ्रीका गई है। कौन, तो सुषमा स्वराज कौन है, तो विदेश मंत्री, आपको ये पॉइंट पूरा याद कर लेना है। ठीक है,
इसका पीडीएफ जरूर से डाउनलोड करिएगा। मैं रोज बोलता हूँ कि पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा, और हो सके तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा और उसको स्टेपल से अटैच कर एक बढ़िया सी करंट अफेयर की बुक बना सकते हैं आप जून के माह की, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद के समझौते के लिए एक नई कमिटी का गठन किया गया है जिसका नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस कमिटी का नाम है, कमिटी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कावेरी जल प्रबंधन समिति। क्या है कावेरी जल प्रबंधन समिति? उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे पर विवाद का समाधान करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CMA का गठन किया है। फरवरी 2018 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को प्राधिकरण बनाने के निर्देश दिए थे, और इसी फैसले में कावेरी जल की कर्नाटक के हिस्से में मामूली वृद्धि की गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसने दिया निर्देश, तो उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है। क्या समिति का नाम है? तो कावेरी जल प्रबंधन समिति, और किन किन राज्यों के बीच है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच, ठीक है, पानी के लिए कावेरी जल विवाद, ठीक। तो ये आपको याद करना है, ये समिति का नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पांचवा, ठीक है। छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जितने भी मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ सब लगभग लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, इसलिए बोलता हूँ कि पीडीएफ क्या करिए, डाउनलोड करिए और उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए, ठीक है। भारत ने कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है अभी, ठीक है। तो देखिए, भारत ने जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है वो है अग्नि 5, ठीक। भारत ने स्वदेश में विकसित परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का आज उड़ीसा तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये भी याद रहना है, कौन से तट पर? तो उड़ीसा तट पर, ठीक है। मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर में, कितनी है इनकी मारक क्षमता? तो इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। रक्षा सूत्र ने बताया कि सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है इस मिसाइल के बारे में, अग्नि 5 के बारे में, कि ये सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मिसाइल है, ठीक है। इसको 9 बजे बंगाल की खाड़ी में डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर एकीकृत प्रशिक्षण रेंज ITR के लॉन्च पैड 4 से संचलन प्रक्षेपक यानी मोबाइल लॉन्चर की मदद से प्रक्षेपित किया गया। सूत्रों ने बताया कि अत्याधुनिक अग्नि 5 मिसाइल का यह 6ठा परीक्षण था। मैंने जितने पॉइंट बताया कि इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, अग्नि 5 इसका नाम है, सफलतापूर्वक कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के तट पर। कौन सा तट है? तो अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। कौन से लॉन्च पैड है? तो पैड 4, ठीक है। और अग्नि मिसाइल का ये 6ठा परीक्षण है। तो ये आपको ये सारे पॉइंट को याद करना है, इसी के लिए कहता हूँ कि PDF डाउनलोड कर उसको थोड़ा सा देखिए, ठीक है, और वीडियो को 2 से 3 बार पूरा का पूरा देखिए। 7वां क्वेश्चन है, वोडाफोन और किस टेलीकॉम कंपनी ने मर्ज होने के लिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है आइडिया ने। अब बाद में आइडिया का नाम जो है बदलकर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कितने का टारगेट रखा है इन्होंने? 15,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है। और कौन कौन सी दो कंपनियां मर्ज होगी? तो वोडाफोन और आइडिया, ठीक है, और नाम इनका हो जाएगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। 8वां प्रश्न है कि मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ये जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन रहे हैं इनका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इनका नाम है अब्देल फतह अल सीसी, ठीक है, तो ये नाम याद रखना है, ठीक। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने शनिवार को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। उनका कार्यकाल 2022 तक का होगा। मिस्र के सरकारी TV ने यह जानकारी दी है। संसद में हुए बड़े समारोह में सीसी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। उन्होंने यहां मार्च में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में 97% मत हासिल किए थे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कितने प्रतिशत मत हासिल किए? तो 97% मत हासिल किए। अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के नए राष्ट्रपति होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि किस देश ने नकाब और बुरखे पर पाबंदी लगाई है? ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये लगाया है डेनमार्क ने। किस देश ने नकाब और बुरखे पर पाबंदी लगाई है? तो ये लगाया है डेनमार्क ने। डेनमार्क यूरोपीय यूनियन के देशों में इस तरह का प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है, इसी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क, इस तरह के प्रतिबंध का असर ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं पर होता है जो नकाब या बुरखा पहनती है। संसद ने गुरुवार को इस कानून के 30 के मुकाबले 75 वोटों से मंजूरी दी। ये कानून 1 अगस्त से अमल में लाया जाएगा। प्रतिबंध तोड़ने वालों पर $157 यानी करीब 10,500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा कानून तोड़ने पर 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो जरूर रट डालिए, ठीक है। डेनमार्क है, कितना जुर्माना लगाया है, कितना नहीं लगाया, ठीक है। 10वां प्रश्न है कि किस सरकारी कंपनी ने लगातार दूसरे साल सर्वाधिक मुनाफा कमाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। भारत की कंपनी है तो ये है IOC, ठीक है।
देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC लगातार दूसरे साल सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनी बन गई है। उसने तेल और गैस उत्पादन करने वाली ONGC को भी पीछे छोड़ दिया। आप देख रहे होंगे तेल और पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं वो और मुनाफा कौन कमा रही है? IOC। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं, मैं पूरा समझा नहीं सकता लेकिन आप इससे समझ जरूर सकते हैं कि IOC जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लगातार दूसरे साल सर्वाधिक मुनाफा और जो आम जनता है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों से मरी जा रही है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। 11वां प्रश्न है कि ऑपरेशन निस्तार के तहत भारतीय नौसेना ने किस देश में फंसे 38 भारतीयों को बचाया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्या है ऑपरेशन निस्तार, ठीक है, और 38 भारतीयों को बचाया, तो यमन। क्या है इसका आंसर? यमन। ठीक है, नौसेना ने चक्रवात के चलते स्कोटा द्वीप नाम याद रखना है कि आसपास फंसे करीब 38 भारतीयों को निकालने के लिए एक अभियान शुरू किया। नौसेना ने भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन निस्तार के तहत INS सुनयना को तैनात किया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, मैंने रेड से इसलिए यहां पर मार्क कर दिया है कि ये नाम याद रखना है कि INS सुनयना को तैनात किया है और ऑपरेशन क्या था? निस्तार स्कोटा द्वीप। ठीक है, तो ये सब इसको याद रखना है आपको। और कहां? तो यमन। ये क्वेश्चन भी आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में है कल नहीं, आज का जो क्विज है, इतने क्वेश्चन तो हमने कर लिए, आज का जो करंट अफेयर का था उसके अंदर 11 क्वेश्चन था, और आज का जो क्विज है वो है कि विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और कल के भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में आंसर दिया है, तो इसका सही आंसर था मैंने क्या पूछा था, इस साल की प्रतिष्ठित सूची में 91 से 100 समूह में रैंकिंग पाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है इसका। ठीक, तो आज के क्वेश्चन का भी सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। ठीक है, इससे आपका ही भला होने वाला है, मेरा कुछ भला होने वाला नहीं है। आप थोड़ा सर्च करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, तो इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे करंट अफेयर से। तो इसका PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं जानते हैं, तो उनको पहले वो जानना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उनको, वहां पर जाकर देखिएगा जरूर और वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं रोज बोल रहा हूं और ये कंटिन्यू हमारा चौथा वीडियो है करंट अफेयर का। 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून सबका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो अगर नहीं देखा हो तो वहां से देख लीजिएगा और PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।